सुनिए सुनिए, एक एक रास्ता है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। कैसे? याद है संगीतकार भूत ने क्या कहा था? क्या? यही कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से उसने अलग कर दी है ना? हाँ, तो? हाँ, तो हमारी तो यहाँ आत्मा है ना, और आत्मा को कोई कैसे बांध सकता है? लेकिन हम तो बंधे हुए हैं। उसने अपनी शक्तियों से हमारे दिमाग में ये बात डाल दी है कि हम इस रस्सी से बंधे हुए हैं, जबकि ये सच नहीं है। आत्मा कैसे बन सकती है? But I can't free myself. तो बंधी हुई हूँ। Don't panic. मैं try करती हूँ। लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? हमारे शरीर उसकी कैद में है, और हम बिना शरीर के बाहर गए भी तो लोग हमको ही भूत समझेंगे। You're right. तो ठीक है, मैं जाती हूँ और मैं प्रीतम प्यारे को यहाँ बुलाकर लेकर आती हूँ। वही इस भूत को सबक सिखाएंगे और हमारे शरीर भी हमें वापस दिलाएंगे। आप प्लीज जल्दी जाइए। एक मिनट। लेकिन आप भाग जाएंगे कैसे? इस हवेली की सारी दीवारें भूत प्रूफ है, कोई भी प्रेत आत्मा अंदर या बाहर नहीं जा सकती। और वो मेन डोर, वो भी भूत प्रूफ है? नहीं। हाँ, तो वहीं से जाऊंगी ना। लेकिन मेन डोर पर वो संगीतकार ही बैठा रहता है। डोंट वरी, मैं उसका ध्यान डाइवर्ट करूंगी और कैसे भी करके मैनेज करके निकल जाऊंगी, है ना? हाँ, प्लीज संभल के जाइए। ओह गॉड, ये तो यहीं बैठा है और मेन डोर भी लॉक्ड है। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? यहां से बाहर निकल भी गई तो डोर तक कैसे जाऊंगी? क्या हो रहा है? ये मेरा हाथ इसके आर पार क्यों जा रहा है? क्या करूं? कॉन्सेंट्रेट मेरी, कॉन्सेंट्रेट। अगर चेन से निकल सकती हूं तो दरवाजे से क्यों नहीं? भागकर जाओगी कहां? तुम्हारा शरीर तो अभी भी मेरे पास है, तुम्हें वापस लौटकर आना ही होगा। अगर तुम वापस लौटकर नहीं आई तो तुम्हारा शरीर कुछ ही दिनों में सड़ने लगेगा और तुम सिर्फ एक प्रेत आत्मा बनकर रहोगी। तुम्हें लौटकर आना ही, लौटकर आना ही, लौटकर आना ही, लौटकर जाओ, जा, भाग जा, भाग जा। अरे प्यारे, मेरी जी कहाँ है? अब मेरी जी को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? एक काम करते हैं, किसी नारियल पानी वाले से शुरू करते हैं। अरे इडियट, जब हम दोनों यहाँ हैं तो मेरी जी किसके साथ नारियल पानी पिएगी? ये भी तो सच है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? एक काम करते हैं, मेरी जी को फोन लगाओ। फोन लगा, चेक कर, ऑन हुआ कि नहीं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. ये नंबर तो अभी भी स्विच ऑफ बता रहा है। अब क्या करें? मैं तो कुछ मेरी जी, मेरी मेरी जी, मेरी जी कहाँ थी आप? मेरी कहाँ थी?
मेरी जी? ए प्रीतम, हम तो मेरी जी के आर पार चले गए। ऐसा तो सिर्फ भूतों के साथ ही होता है। का मतलब मेरी जी भूत? 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 मेरी जी? आप भूत बन गई? कैसे? कब? क्यों? मेरी जी, आप भूत बन गई, आप भूत बन गई। तो ठीक है, अब मैं भी इंसान बन के नहीं रहना चाहता मेरी जी। मैं भी भूत बन के आपकी दुनिया में आऊंगा मेरी जी। प्रीतम, एक काम कर मेरे भाई, मार मुझे, मुझे मार, मेरी इच्छा पूरी कर दे, मुझे भूत बना दे, मुझे मार, मैं भूत बनूंगा। नहीं प्यारे, नहीं, तो इंसानों की श्रेणी में रहने लायक है। मैं मेरी जी को भूत बन के कंपनी दूंगा। मैं नहीं, मेरी बात तो सुनो। सुनाइए मेरी जी, सुनाइए। कल रात जब मैं घर वापस जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक म्यूजिक की आवाज आई, तो मैं उसको फॉलो करके उस हवेली में गई। मेरी जी, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बताइए, बताइए आपकी बॉडी कहाँ है मेरी जी? वो उस हवेली में। अरे हाँ, उसने ये भी कहा था कि अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो मेरी बॉडी डिजेनरेट होके गायब हो जाएगी। नहीं नहीं मेरी जी, नहीं होने दूंगा। हाँ। मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। अरे क्या नहीं होने दूंगा, करेंगे क्या वो तो बता। करेंगे क्या? हमारी हेल्पलाइन को फोन लगाएंगे। हेल्पलाइन? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जल्दी कर, करते हैं मेरी जी। हेलो, नारी सहायता केंद्र? जी हाँ, देखिए एक अबला नारी है जो अपनी बॉडी से अलग हो गई है, बेचारी बेघर हो गई है, उसे उसकी बॉडी। अरे प्यारे, चुप कर। अरे पी निकाला हेल्पलाइन। ये हमारी हेल्पलाइन है? सॉरी सॉरी, फोन रख, फोन रख। तो तू किस हेल्पलाइन की बात कर रहा था? भूत मारे जी की बात कर रहा हूँ। नहीं छोड़ेगा दारा कोयला, मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी के आर पार निकल गया। शायद ये मेरा वहम है, वहम है ये मेरा। तुम्हारी बातों से लगता है कि मामला बहुत सीरियस है। अब मेरी जी कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी जी की बॉडी उनको वापस दे दीजिए। देखिए ना, रो रो के क्या हाल बना दिया है मेरी जी ने। मत रोइए मेरी जी, प्लीज डोंट क्राई। ये आपके दुख के आंसू कुछ नहीं है, सलाइन का पानी है। मेरा मतलब है नमकीन पानी है। मेरी जी डोंट क्राई, आई हेट टीयर्स। मेरी जी आई हेट टीयर्स। क्या कर रहे हैं आप भूत मारी जी? क्या कर रहे हैं आप? अभी आप कह रहे हैं मामला बहुत सीरियस है और खुद डायलॉग बाजी कर रहे हैं। ये कोई टाइम है टैलेंट दिखाने का? मेरी जी रो रही है, आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो? ऐसे तो मुझे भी नसीर साहब की मिमिक्री आती है। मैं कहूं भाई राठौर साहब ये ठीक नहीं है, और भूत मारे जैसी तेरी अकल है, तेरे तो चाटे पड़ने चाहिए रोज। ओए ओए खामोश, वरना ये मंगल यहां पर दंगल मचा देगा। अरे बंद करो प्यारे, लैपटॉप बंद करने की बात नहीं कर रही हूं, झगड़ा बंद करो। भूत मारे जी प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए ना। तो मेरी जी जैसा आप कह रही थी, जैसे ही उस म्यूजिकल वायलिन से सुर निकलते हैं सारे लोग अपने होश खो बैठते हैं। हाँ। इसका मतलब उसकी पूरी शक्ति उस म्यूजिकल वायलिन में। हाँ, हो सकता है। अरे ये तो हमें भी पता है, कुछ नया बताइए भूत मारी जी। अरे गधे पूरी बात तो सुन, किसी भी हाल में उस वायलिन के सुर तुम लोगों के कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए, वरना तुम लोग भी अपने होश खो दोगे।
नहीं नहीं भूतमारी जी, हम पूरे कानपुर में हड़ताल कर देंगे। हाँ, मेरा मतलब है पूरे कान वन बंद करके जाएंगे, कोई कुछ नहीं सुनेगा। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों को उस वायलिन को तोड़ना भी पड़ेगा। वायलिन तोड़ना पड़ेगा? अरे ये कैसी बात करे भूतमारे जी, वो वायलिन तोड़ना कोई आसान बात थोड़ी ना है, वो तो भूत का वायलिन है। उसके लिए तुम लोगों को उस वायलिन से उल्टे सुर निकालने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे सुर और उल्टे सुर के बीच में जबरदस्त कंपटीशन होगा। अरे कैसी बात करे भूतमारे जी, हम लोग वहां भूतों का मुकाबला करने जाएंगे या फिर म्यूजिक का कंपटीशन करने? कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा बच्चा। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों को एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना सिखाऊंगा जिससे उल्टे सुर निकलेंगे और वो जाके उस वायलिन को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और मैरी जी, उसके बाद क्या, उसकी शक्ति खत्म और आप बैक टू द पेविलियन, मेरा मतलब है अपने बॉडी में वापस। चलो चलो अब जल्दी से लिखो, मैं तुम्हें वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना सिखाता हूं। अमरू, पुत्रीना, फुसकी, प्रीतम प्यारे के घर चलने की तैयारी करो। तुम्हें मालूम है ना, प्रीतम प्यारे के घर जाना मतलब खतरा। मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ पुत्रीना। मैं तो चाहता था कि माँ मोटा मेरा आहार बने, लेकिन उस प्रिंटर में कैद रहकर मैंने जो तकलीफ सही है, अब मैं चाहता हूँ कि माँ मोटा भी उस तकलीफ को सहे। किंतु माली, वो प्रिंटर तो एकदम टूट फूट गया है, इसको कैद किसमें करेगा? बेवकूफ, मैं उसे प्रिंटर में नहीं बॉटल में कैद करूंगा। और प्रीतम प्यारे, उनका क्या? जब महा मोटा मेरी कैद में आ जाएगा तो प्रीतम प्यारे उसे बचाने मेरे पास आएंगे और तब मैं उन दोनों को बॉटल में बंद कर दूंगा। पुत्रीना, अपने क्लोब में देखो कि प्रीतम प्यारे इस समय कहां है। प्यारे, सारे इंस्ट्रूमेंट रख ली? हाँ हाँ, अपना वो बहुत चलते। प्रीतम, आज ना मैं उस भूत को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ और मेरी जी की नजरों में हीरो बन जाऊंगा। हाँ, तू हीरो बन जाना। हैं? एक मिनट, क्या कहा तूने? तू हीरो बन जाना। फिर से बोल। तू हीरो बन जाना। अरे, मेरी जी के मामले में तूने मुझसे झगड़ा नहीं किया? झगड़ा किस बात का? तू हीरो बन जाना। नारियल पानी तो मेरे ही नसीब में लिखा है ना। नारियल पानी तेरे ना चले। ऐसा नहीं हो सकता, हीरो भी मैं ही बनूंगा, नारियल पानी भी मेरे ही नसीब में होगा। मेरे नसीब में? ये दोनों गधे कहीं जा रहे हैं, यही सही वक्त है उनके घर पे धावा बोलने का। अब तो महा मोटा हमारी कैद में आएगा ही आएगा। दारा खुश, दारा खुश। तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो? ए मैन, तुमने कुछ बोला क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलो ना, ऐसे होठ क्यों हिला रहे हो? सिर्फ मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? मैं जोर से नहीं बोलता, क्योंकि मुझे शोर नहीं सुर पसंद है। सुर? आमचूर? आमचूर किसको पसंद होता है? आमचूर नहीं, सुर। सुर पसंद है मुझे, सुर। बहरे हो क्या?
वो एक्चुअली क्या है कि आप हम म्यूजिक के अलावा और कुछ सुनते नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें शोर पसंद नहीं है, सिर्फ सुर पसंद है। बहरे हो क्या? मेरी नकल करते हो? हाँ, मेरी नकल करते हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.